कि एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी हो, मेयर कोई भी हो, ये कोऑर्डिनेटेड अंदाज में इस शहर को ओन करते हुए, हमारा शहर कहते हुए, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि शहरियों को हम रिलीफ दे पाए। हमने इस साल कराची भर में ओपन पब्लिक स्पेसेस पर काम किया, पार्कों पर काम किया, पार्कों की बहाली के ऊपर काम किया, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से अगर मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा निग्लेक्टेड ज़िला उसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने 100 पार्क्स की तज़ीन व आराइश करने का फैसला किया। प्रोजेक्ट 100 के नाम से काम स्टार्ट हुआ, डीएमसी ने किया। मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि इन 6 महीने के अरसे में हमने 40 पार्कों को बहाल किया है, और आप जाके देख सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं थी उनको बहाल करने में। हमने केएमसी के बड़े बड़े पार्क्स को, चाहे वो बाग इब्ने रुस्तम हो, बाग रुस्तम हो, या बर्न्स गार्डन की आप मिसाल ले लें, आप सब चूंकि मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, सबके दफातर चुनरी का रोड पे हैं, एम ए जिना रोड पे, सदर के एरिया में। इतना बड़ा हमारा बर्न्स गार्डन था, 1927 का बना हुआ, किसी को उसके बारे में पता नहीं था, दरवाजे नहीं थे, एंट्रेंस नहीं थी उसकी। आज माशाल्लाह पूरा शहर वहाँ जाता है। क्यों? क्योंकि केएमसी ने वो ओपननेस की स्ट्रेटजी अपनाई, लोगों को इनवाइट करने की स्ट्रेटजी अपनाई, लोगों ने आना शुरू किया। किडनी हिल पे मैं माजी की केएमसी को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, और मौजूदा केएमसी को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि मौसमी असरात से निमटने के लिए 1.5 लाख पौधे वहाँ पर प्लांट किए गए, उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। और आज आप जाके देख सकते हैं कि एक मुख्तलिफ मंजर किडनी हिल पेश करता है। इसी तरीके से हिल पार्क है, इसी तरीके से सफारी पार्क है, और इसी तरीके से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हमने प्लांटेशन का काम किया, जिसका मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और हमने कॉर्नो कॉर्पस नहीं लगाया, हमने हमारे जो लोकल इंडिजिनस पौधे हैं, नीम का दरख्त हो, गुलमोहर हो, बरगद हो, मोरिंगा हो, बादाम का दरख्त हो, वो हमने लगाए। और इसकी एक बेहतरीन मिसाल आपको जहांगीर पार्क के बराबर में एम्प्रेस मार्केट नज़र आती है, कि वो एम्प्रेस मार्केट पहले क्या मंजर पेश करती थी, आज क्या मंजर पेश कर रही है। लेकिन जहां हम काम करते हैं, हमें रुकावटों का सामना करना पड़ता है, तकालीफ का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम पथारे हटाते हैं तो कोई अदालत चले जाता है, हम करमली टालपू रोड को ठीक करते हैं कोई अदालत चले जाता है। कोई भी चीज़ करने की कोशिश करें तो मैं लोगों को बताना ये चाहूँगा, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। मैं अच्छे पर फोकस करता हूँ, शायद दूसरों को बुरा पहलू अच्छा लगता है। तो खुदारा उस मनफी चीज़ से बाहर निकलें, और शहर को अपनाते हुए, शहर को ओन करते हुए हम अच्छे कामों पर तवज्जो दें। हमने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के अंदर, मैंने सिंध हुकूमत से बात की कि इतना बड़ा अस्पताल है सिंध केएमसी का, इसको अगर NICVD के तर्ज पर बना दिया जाए तो शहर की खिदमत होगी, फेडरल बेरिया की आवाम की खिदमत होगी, लालू खेत वालों की खिदमत होगी, बिन कासिम में जो लोग रहते हैं, गुलबर्ग में जो लोग रहते हैं, न्यू कराची, नॉर्थ कराची में जो लोग रहते हैं, उनकी खिदमत होगी। आपने देखा सियासत उसके ऊपर की गई कि जैसे मुर्तज़ा वहाब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। नीयत क्या थी कि जिस तरह NICVD अच्छे तरीके से चलता है वहाँ पर चल जाए। हमने वहाँ पर एक उसका चेस्ट पेन यूनिट स्टैब्लिश किया। टारगेट मेरा आज भी ये है कि वो सैटेलाइट सेंटर बन जाए NICVD का, बेहतर खिदमत होगी लोगों की। लेकिन चूंकि वो मनफी सोच वाले लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने पिछले सालों में फैसला किया वे काम नहीं करना, बेहतरी नहीं चाहिए, वो रुकावटें क्रिएट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि लोग मनफी सोच को तर्क करते हुए मुस्बत अंदाज से हमारी मदद करेंगे, और जो हमारा प्लान है कि वहाँ पर NICVD का सेंटर बन पाए उसमें हमारी मदद करेंगे। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है, 50 बेड पर मुश्तमिल है, छोटा अस्पताल था, KMC का अस्पताल है, प्राइवेट सेक्टर की मदद से अब हम उसको चला रहे हैं। बेस्ट वे फॉरवर्ड यही है। बड़े अरसे से उसको एक्सपेंड करना चाह रहे थे, कोई उनको कामयाबी नहीं हो पा रही थी। मैंने विजिट किया, उन्होंने रिक्वेस्ट की, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है बताते हुए कि उसके एक्सपेंशन की परमिशन भी KMC ने दी है, काम भी स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से लांडी का जो हमारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमने वहाँ पर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर 1122 का इस्टेब्लिश किया, ताकि लोगों को एक्सीडेंट वगैरह में
फौरी तौर पर ट्रॉमा सेंटर पहुंचने में टाइम लगता है, तो इमीडिएट तिब्बी इमदाद जो है उनको कोरंगी लांडी के एरिया में मिल सके। इसी तरीके से मेयर जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, वो फादर ऑफ द सिटी होता है। माजी में हमने इस फादर ऑफ द सिटी के नॉमन क्लेचर की खुद ही इज्जत नहीं की। हमने कहा यार मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है, मैं तो काम कर नहीं सकता हूँ, तो ना केपीटी से कोई बात करे, ना कोई कंटोनमेंट बोर्ड से बात करे, ना कोई डीएमसी से बात करे, ना कोई और इदारे से बात करे। नतीजा ये हुआ कि शहर में डिस्पोंडेंसी थी। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद पहला काम ये किया कि शहर तो हमारा है, शहर तो केएमसी का है, शहर तो इन रिहायशियों का है, तो किसी ना किसी को तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करना है। नतीजा क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन जहाँ बेहतर स्टार्ट हुई, तो शहर के जो मेजर मसले थे, मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्ट, कि बड़ी तनकीद होती कि ट्रांसपोर्ट नहीं है, बसेज नहीं है, मुझे आज खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो नेशनल गार्लिक मेयो में है गुडनेस ऑफ रियल एग्स, जो बनाए इसे थिक, क्रीमी और परफेक्ट गार्लिक फ्लेवर से, ओह सो यम्मी, ताकि लाइफ। मुकदमा ताकत के ऐवानों में हमने लड़ा, असेंबली से बसों के लिए, नई बसेस के लिए बजट मंजूर कराया, उसकी प्रोक्योरमेंट करवाई, प्रोक्योरमेंट के बाद तनकीद की गई बसेस नहीं आएंगी, और 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी। जब 31 जनवरी को बसें नहीं पहुंची, तो बड़े लोगों ने कहा कि मुर्तजा वाब का ये ऐलान धरा का धरा रह गया, लेकिन आपने देखा कि बसेस अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर आई, 240 की 240 आ चुकी हैं, क्योंकि आखिरी बैच जो था 100 बसेस का वो कल पहुंच चुका है, वो कराची आई। और पीर के रोज़ आपने देखा कि उनका बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, पाकिस्तान के वज़ीरे खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका आगाज़ कर दिया, और आप सब ने देखा कि रूट वन जो कि मॉडल कॉलोनी से स्टार्ट होता है और टावर तक जाता है, वो बसेस चल रही हैं, एयर कंडीशन बसेस हैं, साफ़ सुथरी बसेस हैं, ब्रांड न्यू बसेस हैं, जो एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारे शहरियों को प्रोवाइड कर रही हैं। और इंशाल्लाह 6 और रूट्स हैं जो कि आइंदा चंद रोज़ में गाहे बगाहे ऐड होते जाएंगे, और वो 240 बसेस कराची शहर में ऑपरेशनलाइज होंगी। ये जो बजट परसों सिंध असेंबली से मंजूर हुआ है, उसमें 4 अरब रुपए नई बसेस के लिए मजीद मुख्तस कराए गए हैं, ताकि और 240 बसेस के अंदर हम सप्लीमेंट कर सकें और बसेस का इजाफा कर सकें। कोऑर्डिनेशन बेहतर थी तो हम हुकूमत के सामने ये मुकदमा लड़ सके, उनको बता सके। हुकूमत ने हमें कहा हमें बस स्टॉप्स की जगह चाहिए, उन्होंने हमें ख़त लिखा, हमने 2 दिन में जवाब दिया कि जी बिस्मिल्लाह कीजिए, बस स्टॉप्स बनाना शुरू कर दें, परमिशन दे दी। क्यों? बेटर कोऑर्डिनेशन थी। ऑरेंज लाइन बड़े अरसे से इल्तवा का शिकार थी, तनकीद करते थे, आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि ऑरेंज लाइन की जो बसेस थी वो कराची पहुंच गई हैं, हमारे बस डिपो पर मौजूद है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, और उसने अपना ट्रायल रन पिछले हफ्ते उस स्पेशल कॉरिडोर में उसका आगाज कर दिया है। रेड लाइन जो कि मौसमियात की साइड से, मलीर हॉल्ट की साइड से होती हुई ऑल द वे टावर तक जाएगी, 75 अरब रुपए लागत का प्रोजेक्ट है, 75 अरब लागत का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का पहला मास ट्रांजिट का मंसूबा है, जो कि विदाउट सब्सिडी चलेगा। क्यों विदाउट सब्सिडी चलेगा? कि उसमें बायोगैस टेक्नोलॉजी है, जो गोबर हमारा समंदर को ख़राब कर रहा है, हमारे माहौल को ख़राब कर रहा है, उस बायोगैस टेक्नोलॉजी से उन बसेस को फ्यूल किया जाएगा। वो ज़मीन केएमसी के पास थी लांडी में, बड़े अरसे से कोऑर्डिनेशन हुकूमत और केएमसी की नहीं थी, बैठे मसले को रिजॉल्व किया, आज मुझे खुशी होती है वो 75 अरब रुपए लागत का प्रोजेक्ट, उसका ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो चुका है। कराची शहर का फ़ायदा होगा, कराची वालों का फ़ायदा होगा। और इसी तरीके से ग्रीन लाइन, सॉरी येलो लाइन जो कोरंगी साइड से आएगी, शहर में कनेक्टिविटी क्रिएट की, उसकी फिजिबिलिटी PC1 के फाइनल स्टेजेस पर इस वक्त है। इमरजेंसी सर्विस
تنقید ہوتی تھی کہ شہر کے اندر ایمبولنسز نہیں ہیں, ایمرجنسی رسپانس کا کوئی پراپر نظام نہیں ہے. میں نے بحیثیت فادر آف دا سٹی حکومت سے بات کی, اپنی سیاسی جماعت سے بات کی, ان کی مدد حاصل کی. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ باتیں جو ہم اتنے سالوں سے سن رہے تھے 1122 کے حوالے سے, وہ اسی دور میں ہم آپریشنلائز کرنے میں کامیاب ہوئے. 230 نئی ایمبولنسز, فلی ایکوپڈ ایمبولنسز جس کے اندر وینٹ, پیرامیڈیکل سپورٹ, آکسیجن سپورٹ سب کچھ اویلیبل ہے, وہ اس وقت آپ کو کراچی شہر میں چلتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. حالیہ دنوں میں جو واقعہ ہوا تھا کشمیر روڈ اور شہید ملت کے کونے پہ, تو جہاں ہمارے فائر بریگیڈ کے عملے نے کام کیا, ڈی سی صاحبان, پولیس نے کام کیا, وہیں پر وہ 1122 کی ایمبولنسز آپ کو کھڑی نظر آ رہی تھیں. ایک زمانے میں کوئی سرکاری ایمبولنس اس طرح کے واقعات میں موجود نہیں ہوتی تھی. اب کی بار ہوئی اور ہمارا فائر بریگیڈ کا عملہ جو اس میں زخمی ہوا, ان کو طبی امداد اس 1122 کی ایمبولنسز میں ملی. تو ہم نے بیٹر کوآرڈینیشن کے ساتھ اس پروجیکٹ کو حقیقی جامع پہنایا, اور آج میں ایک اور اچھا اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ اس 1122 کمپوننٹ جو کہ ابھی صرف ایمبولنس تک محدود ہے, آج سے فائر بریگیڈ بھی 1122 پہ ایڈ کر دی گئی ہے. جو ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہے 1122 کا, اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اگر کوئی فائر ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ 1122 سے رجوع کر کے فائر بریگیڈ کو مطلع کر سکتے ہیں اور فائر بریگیڈ اس جگہ پر پہنچے گی. اور کل سے ہم نے اس کا پائلٹ پروسیس سٹارٹ کر دیا تھا. کل ہم نے اس کا پائلٹ کیا تو 9 منٹ میں, 8.5 منٹ میں ایمبولنس پہنچی اور 12 منٹ میں اس جگہ پر فائر بریگیڈ پہنچی 1122 پر کال کرنے کے بعد. اور تیسرا فیز 15 مددگار کو بھی اس کے ساتھ اب انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں. کل چیف سیکرٹری صاحب کے پاس ہم نے میٹنگ کی, جہاں پہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی آئے. میں خود آئی جی صاحب سے اس حوالے سے بات کر چکا تھا کہ بھائی ایک کمپوننٹ ہو ایمرجنسی رسپانس کا, 1122 آپ کال کریں, میڈیکل ایمرجنسی ہے, پولیس ایمرجنسی ہے, فائر کی ایمرجنسی ہے, ایک کوآرڈینیٹڈ ہولسٹک اپروچ کے ساتھ جو شہر کے ادارے ہیں وہ آگے بڑھیں. اور انشاءاللہ فائر بریگیڈ کا تو آج سے پائلٹ رن سٹارٹ ہو گیا ہے. 15 بھی آئندہ چند روز میں یا کچھ ہفتوں میں آپ کو آپریشنلائز کر کے دیں گے, تاکہ 1122 ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ اس شہر کی ایمرجنسی رسپانس سسٹم کو آگے بڑھا سکے. اسی طریقے سے نمبر پلیٹس کا اس شہر کے اندر بڑا ایشو تھا, نئی نمبر پلیٹس نہیں ملتی تھی, لوگ تنقید کرتے تھے. آج الحمدللہ نئی گاڑیوں کے لیے ان نمبر پلیٹس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, سندھ حکومت کے تعاون سے, اشتراک سے. جب کوآرڈینیشن ہوگی, کولیبریشن ہوگی, تو مسائل حل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ گرانٹ کے ساتھ آپ اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. گرانٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو وینٹ پہ تو رکھ سکتے ہیں اداروں کو, لیکن اگر آپ چیزوں کو سسٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ادارے کی اپنی فائنینشیل وائبلٹی, سسٹینیبلٹی کے اوپر کام کرنا ہوگا. تو اس کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا. پہلا جو گرانٹ کا تعلق ہے, جہاں ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت تھی, میں نے کچھ پروجیکٹس آپ کو گنوائے, کچھ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے گورنمنٹ کے سامنے شارۂ نور جہاں کا کیس رکھا. شارۂ نور جہاں بجٹ میں اپروو ہوئی, الحمدللہ ٹینڈرنگ ہو گئی, کام سٹارٹ ہو گیا. 1.3 ارب روپے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سندھ حکومت خرچ کر رہی ہے. جو گلبرگ کی روڈ ہے, جو کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز سے آتی ہے, تباہ حالی کا شکار تھی, خستہ حالی کا شکار تھی, سندھ حکومت سے بات کی, 600 ملین مختص کیے گئے, ٹینڈرنگ ہو گئی, ماشاء اللہ وہاں کام سٹارٹ ہو چکا ہے. ہمارا اولڈ سٹی ایریا, سول ہاسپٹل, ٹراما سینٹر, لیڈی ڈفرن ہاسپٹل, سڑک تباہ حالی کا شکار تھی,
सिंध हुकूमत से बात की कि हेल्थ इनक्लेव है आपका बाकायदा, दुनिया पाकिस्तान भर के पेशेंट्स इन अस्पतालों में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है, पैसे मुख्तस किए गए, टेंडरिंग हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सड़क तामीर हो चुकी है। जिन्ना अस्पताल, NICVD, NICH तीन सबसे बड़े अस्पताल हैं पाकिस्तान के, और एक इम्पॉर्टेंट आर्टरी है शहर की, अगर शारे फैसल चौक हो तो आप इस सड़क को इस्तेमाल करके कोरंगी रोड की तरफ भी आप जा सकते हैं। सिंध हुकूमत से बात की, पैसे मुख्तस कराए, टेंडरिंग करा दी, आज आप जा सकते हैं कि कराची कंटोनमेंट बोर्ड के उस एरिया में सिंध हुकूमत के इश्तराक से तआवुन से काम कराया जा रहा है, एंड एज़ वी स्पीक वहाँ पर काम हो रहा है ताकि वहाँ के पेशेंट्स को फैसिलिटेट किया जा सके, जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। हमारे जो सनती एरियाज़ हैं, पोर्ट कासिम की साइड पर जाएँ, EPZA की साइड पर जाएँ, मैरान हाईवे खस्ता हाली का शिकार थी, बुरा हाल था। सिंध हुकूमत से बात की, मैरान हाईवे पे इस वक्त काम चल रहा है, तकरीबन 1.4 अरब रुपए लागत से उस सड़क को भी तामीर किया जा रहा है। अभी मुझे किसी सनतकार का फ़ोन आया, मैसेज आया कि थैंक यू, काम अच्छे अंदाज से आगे कर किया जा रहा है। KMC ने जहाँ सिंध हुकूमत के तआवुन से साइड की 17 सड़कों पर काम किया गया, गुलबई पर काम किया गया, मौरी रोड पर काम किया गया, सैंडस्पिट रोड के ऊपर काम किया गया, तो सिंध हुकूमत को फंडिंग में जो पैसे मिले, तो हमने जो एक टुकड़ा रहता था साहली पट्टी का, जो कि मछली चौक से कैनप तक जाता है, 90 करोड़ लागत का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर काम किया। एज वी स्पीक काम चल रहा है और इंशाल्लाह मुझे बताया गया है कि इस महीने यानी कि 31 जुलाई के आखिर तक हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। हालांकि टारगेटेड टाइम इसका 30 अक्टूबर था, लेकिन तेज़ी से काम हुआ। एक बीच में पट्टी थी जो LDA की थी, जो कि आपको वाई जंक्शन से मछली चौक को कनेक्ट करती, बड़े साल से तबाही का शिकार थी। वज़ीर आला सिंध को गोश गुजार किया, रिक्वेस्ट की, पैसे मुख्तस कराए, आज आप जाके दे सकते हैं कि वहाँ पर भी काम हो रहा है। मनोड़ा का बीच फ्रंट कह लें आप, पीपल स्क्वायर कह लें, पीपल स्क्वायर से याद है, कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, कराची के 3 अजला के लिए पैसे इसके अंदर मुख्तस किए गए, और उसमें अगर आप ज़िला जनूबी की बात करते हैं तो ककरी ग्राउंड तामीर किया जा रहा है। वो ककरी ग्राउंड जो हमेशा से मट्टी बुरा हाल था, उसको मॉडर्न स्पोर्टिंग फैसिलिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। सिंध हुकूमत मदद करिए तभी हो रहा है, सपोर्ट करिए तभी हो रहा है, हम उसको लीड कर रहे हैं, हम चेक करते हैं, खुद विज़िट करते हैं वहाँ जाके। उसी ककरी ग्राउंड के बराबर में टेनरी रोड है, चाकीवाड़ा रोड है, शेरशाह रोड है जो कि हब से कनेक्ट करती है हमें, काम हो रहा है उसके ऊपर। बोर्ड बेसन पे आइए आप तो उसको मॉडर्न फूड स्ट्रीट के तौर पर कन्वर्ट किया जा रहा है। गिवरी का जो पुराना स्टेडियम था, बेसिक स्टेडियम था, उसको मॉडर्न स्पोर्टिंग फैसिलिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। लांडी का आप रुख करें तो शेरपाव कॉलोनी स्टार ग्राउंड की जो जगह थी, इससे पहले कि वो कब्ज़ा होता, कोई उसको चाइना कटिंग कर लेता, उसको मॉडर्न स्पोर्टिंग फैसिलिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। अतराफ़ की सड़कों के ऊपर काम किया जा रहा है। कोरंगी के अंदर 14,000 रोड है, 16,000 रोड है, मलीर काला बोर्ड वाली रोड है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहर के मकामात पर तकरीबन कोई 20 पार्क्स हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। ये सब के सब अगले 3 से 4-5 माह में कंप्लीट होंगे। ये सारा काम हम कर रहे हैं। ये हो गई गवर्नमेंट से मदद लेने वाली। अब अपने रेवेन्यूज, हमें जो ADP मिला, हमें जो पैसे मिले, उसको हमने कोशिश की ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्ट करें। आप सब पुराने रिपोर्टर्स, आपको होते हैं टेंडरिंग पहले हो गई थी सारी, माशाल्लाह मुस्तकबिल के कई सालों की टेंडरिंग लोग करके चले जाते हैं इस शहर के अंदर, लेकिन हमने उन ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी शॉर्ट कमिंग को मद्देनज़र रखते हुए काम करने की कोशिश की। और चाहे सड़कों की मुरम्मत हो, बेहतरी हो, कहीं पानी की लाइन, सेवरेज की लाइन की बेहतरी हो, पार्कों की बेहतरी हो, स्ट्रीट लाइट्स की बेहतरी हो, उसके ऊपर काम करने की कोशिश की, काम कर रहे हैं।
अपने रेवेन्यू को बेहतर बनाने के लिए पहली बार केएमसी की तारीख में उसने उसके लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जा रहा है कि केएमसी की जो मिल्कियत है, केएमसी की जो प्रॉपर्टी है, उसका डिजिटल रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल हो। केएमसी के जो पेट्रोल पंप्स हैं, केएमसी के जो दुकानें हैं, केएमसी के जो हट्स हैं, उसका रिकॉर्ड आपके पास हो कि अगर वो हट आपने अब्दुल कुद्दूस साहब को दिया हुआ है तो कब दिया था, कितने में दिया था। अगर दुकान आपने किसी साहब को दी हुई है तो कब दी थी, कितने में दी थी। और जब ज़मीनों का रिकॉर्ड आपके पास होगा तो फिर उसकी मंसूबाबंदी भी आप बेहतर कर पाएंगे, उसकी रेवेन्यू कलेक्शन को भी आप बेहतर कर पाएंगे। तीसरी चीज़, मैं ज़ू की बात करूँगा, सफारी पार्क की बात करूँगा। माजी में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी से घिरा रहा है, हमने उनके हालात को बेहतर करने के लिए काम किया। पिछले 3 माह में उसके रेवेन्यू में एक्सपोनेंशियल इजाफा हुआ। क्यों? क्योंकि एक अच्छी शोहरत का हामिल अफसर वहाँ बैठा हुआ था, ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ों को चलाया तो रेवेन्यू में बेहतरी आई। जो कि अब उनकी रिटायरमेंट के बाद जो भी नया अफसर आता है वहाँ पर आएगा, उसके लिए एक बेंचमार्क सेट किया जाता है कि हाँ, चीज़ों को इस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। और मैं बता रहा हूँ, इनकम में 3 गुना इजाफा हुआ है ज़ू सफारी पार्क की। तो ये चीज़ आपके पार्किंग के हवाले से, आपकी दुकानों के हवाले से, आपके हट्स, आपके पेट्रोल पंप्स के हवाले से आपकी इनकम में इजाफा कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूनिसिपल टैक्स। हर साल आप पुराने रिपोर्टर्स हैं, बजट में 1 अरब रुपए टारगेट किया जाता है, कलेक्शन होती है 16-17-18 करोड़ रुपए। तो हमने उस कलेक्शन का, और अभी भी जो कलेक्शन होती है वो थर्ड पार्टी के ज़रिए होती है, केएमसी खुद कलेक्ट नहीं करता, वो आउटसोर्स किया हुआ है एक कंपनी को। कलेक्शन 16-17 करोड़ रुपए केएमसी के अकाउंट में आते हैं, जो शहर के लिए ना काफ़ी हैं। हमने उसको फॉर्मुलेट करने के लिए, उसको फॉर्मलाइज करने के लिए एक नया तरीक़ेकार वज़ा किया, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमारे दोस्तों ने बड़ी तनकीद की। लेकिन ये वो टैक्स है जो 2008 से मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने से लगा हुआ है और इकट्ठा भी हो रहा है, सिर्फ इकट्ठा कम होता है, शायद मेरी जेब में चले जाते हैं, अफजल साहब की जेब में चले जाते हैं, केएमसी के अकाउंट में नहीं आता। तो हमने उसको फॉर्मलाइज करने के लिए दूसरे इदारों से बात की, हमें सपोर्ट मिली है। इंशाल्लाह उस अरेंजमेंट को हम कुछ रोज़ में फॉर्मलाइज कर लेंगे और हमारा इस मौजूदा माली साल में जो टारगेट है वो हमने 4.25 अरब रुपए रखा है कि हम MUCT की मद में इंशाल्लाह कलेक्ट करेंगे। और ये मैं बताता चलूँ, मैंने टैक्स में कमी की है। जो माजी में MUCT का स्लैब था, रेट था, वो 100 रुपए से स्टार्ट होकर 5,000 रुपए पे जाता था। अब हमने कम, जो बिल्कुल ही लोएस्ट एंड के लोग हैं उनको एग्जेम्प्ट किया है। सबसे लोएस्ट टैक्स स्लैब 80 रुपए है और सबसे ज़्यादा 500 रुपए है। कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए 250 है, इंडस्ट्रीज़ के लिए 500 है। जो आम सार्फिन, जो घरेलू सार्फिन है, उनके लिए तकरीबन कोई 80, 120, 150 रुपए ये पड़ेगा। मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये शहर बड़ा सखी शहर है, इस शहर के लोग बड़े सखी हैं, हम अपनी सखावत अपने इदारे के साथ दिखाएं। हम करोड़ों रुपए PTV को दे देते हैं, हम करोड़ों रुपए चैरिटी में दूसरे इदारों को दे देते हैं, KMC को वो पैसे दें। और मैं KMC के बिहाफ पे एक कमिटमेंट करता हूँ, मैं तो ऑर्डर करके गया हूँ, जो भी इनकम आएगी इसकी वो KMC की वेबसाइट पर हर 15 दिन में शो की जाएगी, ताकि शहरी सवाल पूछ सके कि भाई तुम्हें पैसे इतने मिले, तुमने खर्च किस तरह किए। इसी तरीके से सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एक हमारा कलेक्शन का मैकेनिज्म है, जिसके ऊपर माजी में काम नहीं किया गया, उसके ऊपर भी काम करें, वो भी इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में हम फॉर्मलाइज कर लेंगे। मुझे आपकी इसमें मदद चाहिए होगी कि आप लोगों को, मेरे ख्याल में 80 रुपए दे के, 100 रुपए दे के किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर उसके एवज 4 अरब रुपए KMC के अकाउंट में आएंगे और जो अगला मेयर आएगा उससे आप सवाल पूछ पाएंगे कि बताइए 4 अरब रुपए आपके पास पड़े हुए थे, आपने 4 अरब रुपए किस तरह खर्च किए, किस जगह खर्च किए, उसकी अकाउंटेबिलिटी आप ले पाएंगे। जो ये कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, आप उस आर्ग्यूमेंट की
نفی کر پائیں گے. آخری گزارش کل مجھے بتایا گیا کہ کے ایم سی کی بلڈنگ کے باہر پروٹیسٹ کیا گیا ہے. جب میں نے دریافت کیا میں نے پوچھا پروٹیسٹ کس نے کیا ہے, کوئی ایسا آدمی جس کے گھر کو گرا دیا ہو, تو جواب ملا نہیں. کوئی ایسا آدمی جس کی دکان گرا دی ہو, نہیں. کوئی ایسا آدمی جس کے ساتھ کوئی پرسنل زیادتی کر دی ہو, جواب آیا نہیں. تو پتہ چلا پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ کے ایم سی نے جو پلاسٹک بیگس کے اوپر بین لگایا ہے اس بین کو آپ ختم کریں. مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کیا پلاسٹک بین یا پلاسٹک بیگ جو ہے اس کے بین میں میرا کوئی ذاتی فائدہ ہے, زیدی صاحب کا کوئی ذاتی فائدہ ہے. ہم سب مانتے ہیں اس بات کو کہ پلاسٹک بیگ اس وقت ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے, ہمارے انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے. آپ میرے ساتھ ابھی جام چاکرو چلیں, گوند پاس جو ہماری لینڈ فل سائٹ ہے, آپ کو تھیلی نظر آئے گی. ابھی آپ میرے ساتھ کسی نالے پر چلیں, آپ کو تھیلی نظر آئے گی. آپ میرے ساتھ واٹر بورڈ کا جو کلفٹن پمپنگ اسٹیشن ہے جو پی آئی ڈی سی کے پیچھے ہے, آپ وہاں چلیں, آپ کو صرف تھیلی نظر آئے گی. یہی تھیلی میری سیوریج کو چوک کرتی ہے, اور میری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف شہر کی نہیں, میرے گھر کی بھی تو سیوریج کو چوک کرتی ہے. یہ نالوں کو چوک کرتی ہے, وہ نالے اوور فلو کرتے ہیں, میرے گھر پہ آتے ہیں, میری دکان پہ آتے ہیں, میرے دفتر میں آتے ہیں, میرے پلے گراؤنڈ پہ آتے ہیں, میری سڑک پر آتے ہیں. تو اگر میں اس پلاسٹک بیگ پر بین لگا رہا ہوں تو اس لیے لگا رہا ہوں, افریقہ کے ممالک میں بین لگ چکا ہے, ہم سے بہت پیچھے کہتے ہیں افریقہ کو, وہ ان لوگوں نے بین لگا لیا ہے, اسلام آباد میں بین لگ گیا ہے, بٹ ہم اپنے شہر میں. تو خدا را میں ان لوگوں سے, پروٹیسٹ کرنے والوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ تھیلی کو چھوڑ دیں, کپڑے کا بیگ استعمال کر لیں. جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ہم بھی روٹی لینے کے لیے ٹوکری لے کے جاتے تھے لوگوں, آپ لوگ دفاتر جاتے تھے, مجھ سے سینئر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ٹفن لے کے جاتے تھے, وہ ہم اسی شہر میں, آپ اولڈ سٹی ایریا میں جائیں گے تو اوپر کے چوتھے فلور کے اپارٹمنٹ سے ٹوکری کو رسی باندھ کے نیچے ڈالتے تھے, جو چیز خریدنی ہے اس میں ڈالا اور وہ اوپر کھینچ لی, اسی شہر میں ہوتا تھا. آج ہم نے اپنے 15-20 منٹ کے کنوینئنس کے لیے کہ دوائی خریدنے میں جاؤں تو دوائی گدے میں ہوگی, گدے کے اوپر پیپر بیگ ہوگا, پیپر بیگ کے اوپر ہم نے شاپنگ بیگ ڈال دیا, پلاسٹک بیگ ڈال دیا, کوئی بھی چیز خریدنے جائیں وہ پلاسٹک بیگ آ گیا. تو خدا را اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے شہر کے انفراسٹرکچر کو مزید نقصان نہ ہو تو اس چیز پر ہماری مدد کریں. لاسٹ پروٹیسٹ, میں لوگوں کے پروٹیسٹ کا احترام کرتا ہوں بحیثیت سیاسی جماعت, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لوگ پروٹیسٹ کریں. پینشن کے جو ہمارے ملازمین ہیں ان کا پروٹیسٹ بالکل جائز ہے. کیوں نے انہوں نے اپنی زندگی کے 30-35 سال اداروں کی خدمت میں, شہر کی خدمت میں, عوام کی خدمت میں صرف کیے, اور ان کا رائٹ ہے کہ ان کو ان کی پینشن ملنی چاہیے. بدقسمتی کے ساتھ چونکہ کے ایم سی کے وہ مالی حالات نہیں ہیں, ان کو وہ پینشن نہیں مل پائے, اس کے ایریئرز ہیں. میں نے سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی اور ریکویسٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک گرانٹ انشاءاللہ سندھ حکومت سے ہمیں ملنے جاری ہے, جس کی تجویز کیبنٹ کمیٹی وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوا چکی ہے. وہ بجٹ میں مصروف تھے اس لیے وہ معاملہ فائنلائز نہیں ہو پایا, ان سے انشاءاللہ ایک دو روز میں اگلے ہفتے تک اس معاملے کو ہم ریزولو کرا کے اس پینشن کے مسئلے کو حل کریں گے, وہ ریلیف ہم کو مل جائے گی. لیکن میں گزارش کرنا چاہوں گا, نرسز پروٹیسٹ کر رہے ہیں آج کل, وہ کے ایم سی کی ایمبولنس لے کے, سرکاری ایمبولنس لے کے کے ایم سی کے دفتر آتے ہیں اور کے ایم سی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری تنخواہوں کو بڑھاؤ. وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں ہماری تنخواہوں کو بڑھاؤ. ہر شخص چاہتا ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہو, اور وہ عدالت سے بھی لوگ رجوع کر لیتے ہیں. میں گزارش کرنا چاہوں گا
कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप जो है वो बाहमी रजामंदी की होती है, कि नौकरी देने वाला आदमी जो आपको रोज़गार दे रहा है वो बताता है कि मेरा बजट इतना है भाई, इस बजट को मैं इस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप उससे एक्सेप्ट करते हैं, अग्री करते हैं, आप नौकरी पे आ जाते हैं। कुछ अरसे बाद आप कहते हैं नहीं जी, फलां इदारे में इतनी तनख्वाह मिल रही है, फलां इदारे में इतना अलाउंस मिल रहा है, हमें भी वो दें। मेरे लिए सबसे आसान काम है मैं उनको खुश करके ऐलान करके चले जाऊं, अगला जो भी मेयर आएगा उसकी परेशानी होगी। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा, उन नर्सेज से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आइए अपनी डिलीवरेंस को बेहतर बनाएं, अपनी फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाएं, उसके बाद हमारी किटी में जितने पैसे होंगे वो शहर का पैसा है। मैं तो कोई तनख्वाह KMC से नहीं ले रहा हूँ। आज मैं अपने प्राइवेट सेक्टर की नौकरी छोड़ के, अपनी प्रैक्टिस छोड़ के KMC आ गया हूँ, या सिंध हुकूमत में आ गया हूँ, या जैदी साहब यहाँ काम करें, या भुट्टो साहब यहाँ काम करें, क्या ये हुकूमत को कहेंगे यार मुझे इतने लाख रुपए दो? ये एम्प्लॉयर का काम है, हुकूमत का काम है कि वो फैसला करे कि भाई इतनी तनख्वाह हम आपको दे सकते हैं। जिसको काम करना है उस तनख्वाह पे काम करे, जिसको काम नहीं करना वो बेशुबा रेजिग्नेशन दे चला जाए। लेकिन ये धौंस अंदाजी से आप चीज़ों को पैरालाइज करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है, ये गलत है। मैंने कोशिश की है मैं दिल से बात करूं, कोई रिटर्न स्पीच ना करूं, ताकि आपको अपने मसाइल भी बता सकूं, अकॉम्प्लिशमेंट भी बता सकूं, ताकि हम इस शहर की संजीदगी से मसाइल को समझ भी सकें और मसाइल का हल करने के लिए अपना अपना काम भी कर सकें। बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब करें।